कर सकते। सो दिस इज चैप्टर 21 क्लास 11th बायोलॉजी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन दिस द टॉपिक ब्रेन इज गोइंग ऑन। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज द न्यूरल सिस्टम व्हिच इज प्लेस्ड इन योर सेंटर ऑफ द बॉडी। दैट मींस मेन ब्रेन आपका और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस में यही दोनों मेन आते हैं, जिसमें से ब्रेन आपको पहले समझाया हुआ है। यू कैन सी ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है आपकी बॉडी का, मतलब सेंटर में लाए भी करता है और कमांडिंग है, ठीक है। इट इज द वी कैन से कह सकते हैं वी कैन से इट इज द हेड। हेड में ही रहता है ब्रेन, पता भी है हमें। और हमको पूरी बॉडी में जो भी वर्क करना होगा ये ब्रेन से ही गाइडेड होता है। ब्रेन ही उसका डिसीजन लेता है, ब्रेन ही उसको मेनली प्रोसेसिंग ऑर्गन की तरह काम करके जो बिल्कुल ठीक काम करना है वो उसको कमांड देता है। तो एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह भी काम करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इज इट क्लियर? यस मैम। मैं सर से पूछ लूं, वो सब में है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बता दिया कि इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। तो मतलब हमारे मूवमेंट तक को भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? यस मैम। सो इसमें आपको आगे भी देख रहे हैं, ब्रेन हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर हो गया, मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री लंग्स हार्ट किडनी को कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, बट स्टिल इनका आपको पता है कि रेस्पिरेटरी रिदम भी किसने कंट्रोल कर रखी है, मेडुला ने, ब्रेन का ही पार्ट है। और लंग्स में और हार्ट में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ब्रेन ही कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि आपको पता है थर्मोरेगुलेशन, हंगर और थर्स्ट, कल हमने देखा था थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सर्कैडियन रिदम, 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, ये कौन करता है? कल मैंने बताया था इसको करता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट होता है जो मैंने कल कहा था कि होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व है। और ये जब हम भूख लगती है, हमें पेट में दर्द उत्साह होने लगता है भूख के मारे, तो वो भी हमें, और प्यास लगने लगती है, गला सूखने लगता है, वो भी हमें कौन समझाता है? ब्रेन ही समझाता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ इट इज द साइट फॉर प्रोसेसर ऑफ द विजन। हम जो देख रहे हैं, जैसे अभी आप स्क्रीन देख रहे हो उस पर एनसीईआरटी का इमेज शेयर हो रहा है, आप जो सुन रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ तो आप अपने फोन के थ्रू सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ अपने माउथ के, अपने वोकल कॉर्ड से, तो मेरी स्पीच, ठीक है, मेरी जॉ मसल्स, मेरी टंग, मैं उसी से आवाज निकाल पा रही हूँ। मेमोरी मतलब मैं अपने पुराने मेमोरी से भी, इंटेलिजेंस से और अपनी इमोशंस से, थॉट्स से कुछ भी चीज को क्या करती हूँ, प्रोसेस करती हूँ। मैं अपने ब्रेन से और ब्रेन के इतने सारे डिविजन से ही चीजों को प्रोसेस कर पाती हूँ। तो हर एक इंसान अपने ब्रेन से कुछ अलग तरीके के एक्शंस कर सकता है, अलग तरीके से ही समझ सकता है, ठीक है। सबकी समझ क्या है? अलग है। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। जब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, तो उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, तो वो किससे प्रोटेक्टेड है? स्कल से। ओके, स्कल से प्रोटेक्टेड है। और स्कल हमारा कहाँ पे होता है बेटा? मैम ब्रेन के ऊपर। ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग की तरह स्कल है, वेरी गुड। और ब्रेन उसके अंदर बचाया हुआ रहता है, पूरा कह सकते हैं पैक्ड रहता है पूरी बोन से, 22 बोन्स होती हैं इसमें, और पूरी फेस के साथ, तो फेस को आगे से भी कवर कर रही होती हैं यहाँ पर बोन्स, और सबके लिए जगह होती है, और ऊपर से प्रोटेक्ट करके रखता है स्कल पूरा सिर को, ठीक है। हमारे पूरे ब्रेन को अच्छे से सेफ
प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें स्कल रहता है। स्क्रेन सिर्फ स्कल ही नहीं, उसके अंदर एक और चीज क्रेनियल मेनिंजेस, मेनिंजेस मतलब लेयर्स, ब्रेन की भी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिनमें तीन होती हैं। सबसे बाहर वाली क्या है, आउटर लेयर का नाम क्या है, डूरा मैटर। थिन मिडल लेयर का नाम क्या है, आर्केनॉइड। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है जो डायरेक्टली ब्रेन के टिश्यूज से कंपैक्ट में है, पाया मैटर या पिया मैटर उसको कहते हैं। क्लियर, तीन ब्रेन की लेयर्स पता चल गई। यस मैम। ओके, सो नाउ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड टू थ्री मेन पार्ट्स। किसके अंदर डिवाइडेड है ब्रेन, की मेन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड ब्रेन। कौन से तीन मेन पार्ट्स हैं बेटा, कैन यू सी विच थ्री पार्ट्स आर देयर इन द ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड ब्रेन। ठीक है, ये तीन ब्रेन के पार्ट्स है। यू कैन सी द फोर ब्रेन इज द सेरिब्रम। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा रखा है। फोर ब्रेन में दो पार्ट बताए हैं, एक तो टॉप पार्ट सेरिब्रम और लोअर पार्ट या मिडल से कनेक्टेड पार्ट थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। एंड मिड पार्ट क्या है, ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन स्टेम में दो, एक तो मिड ब्रेन का भी थोड़ा हिस्सा लेती है ब्रेन स्टेम, क्योंकि मिड ब्रेन से कनेक्टेड होती है। और ब्रेन स्टेम वैसे डायरेक्टली किसकी बनी हुई है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा और सेरिबेलम की, है ना, हाइंड ब्रेन की बनी है मेनली, तो क्योंकि ज्यादा टिश्यूज इसमें हाइंड ब्रेन के हैं। बट मिड ब्रेन का इसमें मिड ब्रेन स्टेम का शुरुआत यहाँ से हो जाता है। तो हमारा इस तरह से तीन क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, फोर ब्रेन जिसमें सेरिब्रम और थैलेमस हाइपोथैलेमस रीजन आ जाएगा। और सेरिब्रम में आगे हम पढ़ेंगे कि सेरिब्रम को भी किस तरह से सब और सब डिवाइडेड किया गया है। हेमिस्फेयर्स में यहाँ देख ही पा रहे हैं कि सेरिब्रम हेमिस्फेयर में है, ये ब्राउन कलर का एक हाफ तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, वन हाफ आप देख सकते हो कि यहाँ दिख रहा है, शो हो रहा है। पर ऐसे दो होते हैं, इसके जस्ट सामने एक और हेमिस्फेयर होता है जो नेक्स्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। एंड अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया हुआ है हमको इसमें, सेरिब्रल एक्विडक्ट्स दिखा रखा है डायग्राम में, कॉर्पस कोलेसम नाम का फाइब्रस बैंड दिखा रखा है जो दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ता है, ठीक है। और सेरिब्रल एक्विडक्ट है ये, और जहां से मतलब इस तरह से वेंट्रिकल्स का रीजन है, ब्रेन में भी कुछ हॉलो कैविटीज होती हैं जहां पर सीएसएफ फ्लो करता रहता है, तो सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लो करेगा। तो दिस इज व्हाट एक्विडक्ट, एक्विडक्ट मींस लिक्विड को फ्लो करने का चैनल, ठीक है। सेरिब्रम में वेंट्रिकल्स हैं, सेरिब्रम में भी कैविटीज हैं कहीं कहीं पर, और देयर आर फोर फाइव कैविटीज इन द ब्रेन, एंड उनसे ही चैनल एक रहता है जिनमें सीएसएफ प्रोड्यूस भी होता है और आगे भी रिलीज किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेनिंजेस के लिए, तो उसके लिए सेरिब्रल एक्विडक्ट है। देन यहाँ पर हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स बोल दिए, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, मार्क करके बता रखा है, जिसमें पॉन्स सबसे ऊपर आ रहा है, ये वाला ओवल पार्ट, ये पॉन्स आ रहा है। देन इसके बाद सेरिबेलम में ये जैसे ऊपर दो हेमिस्फीयर्स है, नीचे वाला भी, ये वाला जो हाईली वास्कुलर आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा इसमें आपको ब्रांचिंग दिख रही है, दिस इज वॉट ऑल्सो, दिस इज द सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। देन लास्ट पार्ट क्या होता है इसका, मेड्यूला, इट इज वॉट, मेड्यूला, इज इट क्लियर? आई होप सो इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट हम आ जाएंगे फोर ब्रेन के पार्ट्स पे। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम दैट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फिगर। सेरिब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। तो सेरिब्रम फोर ब्रेन का जो होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में भी बटा हुआ होता है। सेरिब्रम फॉर्म्स कर रहा है मेजर पार्ट ह्यूमन ब्रेन का, उसको फॉर्म कर रहा है, और डीप क्लेफ्ट उसके अंदर होता है जो कि दो हाफ्स में जोड़कर रखता है, विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये दोनों लोब्स क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहलाते हैं, जो जुड़े रहते हैं।
The hemispheres are connected by a tract of nerve fibers called corpus callosum. और ये जो hemispheres हैं ये nerve fibers की tract से भी connected रहते हैं जिन्हें बोलते हैं corpus callosum. आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा कि एक जो हेमिस्फेयर होगा ये बैंड ऑफ टिश्यू से दूसरे हेमिस्फेयर से भी जुड़ा रहेगा. तो ये जो बैंड ऑफ टिश्यू है जो एक कनेक्टिंग नर्व फाइबर की ट्रैक्ट ही है जो इस वाले लोब को दूसरे लोब से क्या कर रही है, कनेक्ट करके रख रही है, जोड़कर रख रही है. और ये बैंड ऑफ फाइबर्स क्या हो गया, कॉर्पस कोलोसम. कॉर्पस कोलोसम क्लियर हुआ. इसके अंदर कहीं कहीं पर डिप्रेशन होते हैं, कहीं कहीं पर ये रफ है बहुत ज्यादा, कहीं पर ये उभरी हुई है, कहीं पर ये नीचे गहरी गई है. तो ये क्या होती है, सल्काई और गायराई इसमें होती है. और ये कॉर्टेक्स रीजन है. अब जब आउटर लेयर होगा, मैंने कल बताया था किसी भी ऑर्गन का आउटर रीजन क्या होगा, कॉर्टेक्स रीजन ब्रेन का ही हो. और मिडल रीजन क्या होगा, मेडुला रीजन. मिडल इज मेडुला, आउटर इज कॉर्टेक्स. तो सेरिब्रम का भी कॉर्टेक्स, सेरिब्रल का भी कॉर्टेक्स होता है जो फोल्डेड होता है. मैंने भी बताया इट इज फोल्डेड. कहीं पर उसमें अपवर्ड पार्ट होते हैं, कहीं पर उसमें डाउनवर्ड्स पार्ट होते हैं. Understand? Have you understood? And then the cerebral cortex is referred to as grey matter. इसको grey matter भी बोलते हैं क्योंकि ये grey color का दिखता है. और neuron जो cell body की, इसके अंदर cell body neurons के cells की cell body is majorly concentrated होती है. इसको इसी से color मिला है grey color. जो grey दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, because of the कोई question पूछे why the cerebral cortex appears grey. ग्रे मैटर क्यों लगता है वो, बिकॉज इट इज ग्रे इन कलर, ग्रेइश इन अपीयरेंस एंड इट इज फुल ऑफ सेल बॉडीज. इज इट क्लियर? यस मैम. देन इसके बाद आपका आ जाएगा द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज. अब इसके अंदर तीन मेन एरियाज, ये कल भी मैंने डिस्कस किए थे, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और एसोसिएशन एरियाज. ये थ्री एरियाज इसमें मेन होते हैं. नाम से आपको पता चल रहा है मोटर मतलब समथिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट. मोटर वही चीज होती है ना जो मूवमेंट कराती है. आप पानी चला भरने वाली मोटर यूज करते हो तो इट पुल्स द वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर से पुल करती है. मोटर इज द मैकेनिकल थिंग. ऐसी नर्व्स में रिच होगा ये जो मोटर नर्व्स है. सेंसरी एरिया ब्रेन का ऐसी नर्व्स में रिच होगा जो कि सेंसरी नर्व्स में रिच होगा, दूसरे ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेगा. एसोसिएशन एरिया वहीं पर मिक्स्ड होगा, इसमें दोनों चीजें होंगी बिकॉज इट्स एबल टू प्रोसेस द थिंग्स. मोटर और सेंसरी एरियाज और अपनी पुरानी मेमोरी, हमारी पुरानी जो मेमोरी है उसके बीच में कनेक्शन भी लाएगा एसोसिएशन एरिया. It is complex in function because it is intersensory associations, memory and communication. इनके लिए responsible, ठीक है? Association area सब चीजों में, communication के लिए responsible. Is it clear? Yes, ma'am. Very good. Now its fibers of the tracts are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. इसके जो fiber होते हैं tract के ये कवर्ड होते हैं एकदम माइलिन शीट से एंड विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. ये ट्रैक के जो सेरिब्रल फाइबर्स हैं ये माइलिन शीट से कवर होंगे. मतलब इनर बात करी जा रही है, मेडुला की बात करी जा रही है. मेडुला की, मेडुला में क्या चीज रिच होती है, माइलिन शीट रिच होती है. इज इट क्लियर? यस मैम. कवरिंग द एक्सॉन फाइबर्स. और जैसे कॉर्टेक्स सेल बॉडी में जो एक्सॉन है और जो मेडुला का रीजन है उसमें सारे व्हाइट मैटर कहलाता है. व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर.
क्लियर हो रहा है. इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स गिव ओपेक व्हाइट अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द व्हाइट मैटर. क्लियर हुआ? यस मैम. So now coming to the another very important part of the brain, hypothalamus. अब आपने cerebral cortex समझ लिया, cerebral cortex के दोनों पार्ट समझ लिए कि बाहर ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है. सेल बॉडीज से रिच है, बाहर उनकी सेल बॉडीज रहती हैं और अंदर की तरफ मेडुला रीजन में उनके सबकी ज्यादातर एक्सॉन्स आने लगती हैं, तो इसीलिए अंदर मेडुला रीजन थोड़ा व्हाइटिश अपेयरेंस का, ओपेक व्हाइटिश अपेयरेंस का रहता है. मतलब अगर मैं किसी ब्रेन के टिश्यू का सेरिब्रम में से थोड़ा वो लूंगी, एलएस लूंगी, तो एलएस लूंगी तो कॉर्टेक्स मुझे क्या सा दिखेगा स्लाइड में, बहुत डेंस दिखेगा सेल बॉडी की वजह से, और कॉर्टेक्स मुझे ग्रे मैटर दिखेगा. कॉर्टेक्स में मुझे ग्रे मैटर दिखेगा और मेडुला में मुझे व्हाइट मैटर दिखेगा. इज इट क्लियर? ये आप भूलोगे नहीं कभी कि हाउ द ब्रेन हैज द सेरिब्रम डिविजन ग्रे एंड व्हाइट. And now coming to this another part which was the thalamus and hypothalamus. तो ये भी part आपके forebrain के ही होते हैं और ये आपके thalamus जो है ये major coordinating center होता है sensory और motor signaling का. It is the major coordinating center for sensory and motor signaling. Is it clear? Yes, ma'am. यानी कि ये मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग को स्मूथ बनाता है. कौन? थैलेमस. थैलेमस से भी कम्युनिकेशन होती है. एक आपको मैंने अभी कम्युनिकेशन बताई, एसोसिएशन एरिया का काम है. ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, ये अपनी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है. मतलब इनपुट्स को ये क्या कर रहा है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन करके मेमोरी से जोड़ कर देख रहा है. हाइपोथैलेमस किस अलग तरीके की सेंसरी मोटर सिग्नलिंग करता है आपको बता ही दिया था कि ये होमियोस्टेसिस रिलेटेड सेंसरी को बैलेंस करेगा. होमियोस्टेसिस, और होमियोस्टेसिस मतलब क्या था? बैलेंसेस. होमियोस्टेसिस मतलब बैलेंसिंग करना. जैसे भूख लग रही है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, भूख तभी मिटेगी. प्यास लग रही है तो पानी पीना पड़ेगा. तो वो क्या है? हाइपोथैलेमस का सिग्नलिंग है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस lies at the base of the thalamus, and the hypothalamus contain a number of centers which control body temperature, urge for eating, drinking. It also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormones. ठीक है, ये कुछ ऐसे neurosecretory cells को रखता है अपने अंदर. इसके अंदर specialized कुछ neurosecretory cells होते हैं. नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये है तो neurons ही. They are neurons, but they are the neurons of the nature of secretory neurons. ठीक है, secretory nature के neurons हैं. Secretion करना मतलब जैसे कोई gland hormones बना के release करता है. समझ रहे हो? कोई gland hormone बना के release करता है. Releasing is what secretion. Neurosecretory cells का meaning भी ऐसा ही है. इसके neurons ऐसे हैं, hypothalamic neurons, जो कि secretion करते हैं. किनका सिक्रीशन करते होंगे? ये अपने न्यूरोएंडोक्राइन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं. हाइपोथैलेमस भी, मैं आपको अगर डायग्राम शो करूं गूगल इमेजेस से तो आप उसको और बेटर कनेक्ट कर पाओगे. तो इसलिए आई एम शोइंग यू द डायग्राम ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स. Can you see it?
connection to pituitary, neuronal to posterior pituitary, endocrine to anterior pituitary. तो यानी कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस इन जनरल क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्टर है. हाइपोथैलेमस एक ऐसा बेस है, बेस बोल सकते हैं, ये पूरा हाइपोथैलेमस है, दिस पोर्शन अबव, ठीक है. इसमें सेल्स हैं, यानी कि न्यूरोनल टू पोस्टीरियर, अगर पिट्यूटरी से पोजीशन चेक करी जाए तो पिट्यूटरी आगे की तरफ तो क्या है, पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ एंडोक्राइन है, आगे की तरफ से एंडोक्राइन है ये हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसके आगे पूरा ग्लैंड ही बन गया. हाइपोथैलेमस का एंटीरियर एंड, आगे का पार्ट क्या बन गया, ग्लैंड बन गया. तो इट इज एंडोक्राइन टू एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पर एंडोक्राइन है ये हाइपोथैलेमस, यानी कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस के कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी तक हॉर्मोन्स जाते हैं, उसके न्यूरॉन्स नहीं जाती, न्यूरॉन्स यहीं तक रुक जाती हैं. पोस्टीरियर के रीजन पर न्यूरोनल कमांड है, ठीक है. तो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर रीजन पे, मतलब बैक रीजन पे इसकी हाइपोथैलेमस की न्यूरोनल कमांड है, न्यूरॉन्स रिलीज कर करके चीजें बनाती हैं, ठीक है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये देखो, न्यूरोन की डेंड्राइट्स पहुंची है कि नहीं पहुंची, यहां तक इन सारी न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स आ रही हैं यहाँ पर. कैन यू सी डेंड्राइट्स आ रही हैं, एक्सॉन्स. कैन यू सी दिस वर्ड एक्सॉन्स? यस मैम. तो यानी कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर ये भी दो में बटा हुआ है, टॉप वाला एंटीरियर रीजन, ठीक है, टॉप वाला एंटीरियर रीजन, बैक वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे देखो मार्क कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायग्राम में भी मार्क्ड है. तो इसमें हाइपोथैलेमस न्यूरोनल ओरिजिन से, न्यूरोन जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स यहाँ दिखा भी रखी है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की एक्सॉन्स यहाँ तक पहुंचती हैं, ठीक है. तो अगर ये हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो पिट्यूटरी को भी क्या करते हैं, सप्लाई कर रहे हैं, पिट्यूटरी को भी न्यूरोनल कमांड देते हैं, ठीक है. पिट्यूटरी को, वो भी कौन से पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोनल सेल्स कमांड देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर वाले को हॉर्मोन्स देते हैं. एंटीरियर में ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी कैपिलरीज का ब्लड वेसल्स हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेल्स भी देखो एंडोक्राइन सेल्स हैं. कौन से सेल्स हैं? एंडोक्राइन सेल्स. एंडोक्राइन सेल्स. तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बेस पे आता है थैलेमस के, उसमें न्यूरोसिक्रेटरी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो अपने हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन भी कहते हैं. उनको कौन से हॉर्मोन कहेंगे? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स. द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एमिग्डाला. तो अंदर पार्ट का सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बिल्कुल मिड में आ जाए, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ ही रहे हैं, तो अगर हम इनके मिड में आए, ठीक है, अगर हम हाइपोथैलेमस तक तो पहुंच ही गए कि यहाँ पर ऐसे करके एक कनेक्टर सा होगा, और उस कनेक्टर के बाद यहाँ पर एक पीयर पी शेप का थोड़ा सा ग्लैंड रहेगा. बट हम इसकी बात ना करके अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मिड ब्रेन के पास वाली रीजन पे आए, यहाँ पर तो मिड ब्रेन के पास वाली रीजन पे और आंखों के जो आईज हैं उनके जस्ट थोड़ा सा पीछे की लाइन में अगर चलें, वहां पर एक सेंटर्स होते हैं जिनमें इनर पार्ट्स हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के, जिनको जिनमें डीप स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम है एमिग्डाला हिप्पोकैम्पस. एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है. ये लिम्बिक सिस्टम बनता है एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस से, क्लियर हुआ. और ये इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेक अ लिम्बिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस. इज इट क्लियर? ओके. सो एक्चुअली में इस लिम्बिक सिस्टम का काम होता क्या है, इस लिम्बिक सिस्टम का काम होता है कि अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस ये भी होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है. इट ऑल्सो मेंटेन होमियोस्टेसिस अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस. इज इट क्लियर? और क्या करता है ये? फाइट और फ्लाइट और सेक्सुअल बिहेवियर
इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, इनको और मोटिवेशंस को भी क्या करता है, गाइड करता है. हमारी मोटिवेशन, हमको पर्टिकुलर कुछ लाइफ में कुछ बनना है, हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम उस चीज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, हमें उसी चीज में काम करने में बहुत खुशी मिलती है. और अगर हम वो काम ना कर सके, अपने पैशन को फॉलो ना कर सके, तो हमें रेज हो जाता है, फियर हो जाता है, मतलब हमें गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, या फियर हो जाता है. क्लियर? ये कौन की वजह से हुआ? लिम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस. और एक और बात, जो हम वो फाइट फ्लाइट और फ्रीज वाला 3F का रिस्पांस पढ़ते हैं, जब हम डर जाते हैं बहुत ज्यादा, फियर हमें लगता है, तो वो भी हमारे एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस में की वजह से लगता है. इज इट क्लियर बेटा? यस मैम. ओके, तो अब हम आ गए मिड ब्रेन पे. मिड ब्रेन लोकेटेड है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, एंड फोर ब्रेन पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन. ठीक है, इनके बीच में जैसे कि हमने देखा भी था, मिड ब्रेन लोकेटेड है, डायग्राम में देखा था, ये हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन और पॉन्स, इनके इनके बीच में मिड ब्रेन रहता है. और एक कैनाल मैंने बताया था, एक कैनाल जाती है जिसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है, एंड ये मिड ब्रेन से ही पास होती है. डोर्सल पोर्शन मिड ब्रेन का जो होता है, दैट इज द कंसिस्टिंग ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग कॉल्ड लोब्स. डोर्सल पोर्शन मतलब द पोर्शन विच इज एट द लास्ट. अगर हम फ्रंट से बात कर रहे हैं तो पास वाला या फ्रंट वाला रीजन क्या होगा, दैट विल बी प्रॉक्सिमल पोर्शन. ठीक है, पर अगर हम बैक की तरफ जाएंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, डोर्सल पोर्शन. और उसमें क्या रहेगा, मिड ब्रेन में चार राउंड लोब्स रहेंगे जो कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना कहलाते हैं. एंड इसके अंदर मिड ब्रेन और इसके अंदर ऐसे सेंसेस होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना में, जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, आईज से जो नर्व्स जा रही हैं. ठीक है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना में दो छोटे लोब्स आगे होते हैं, दो बिगर लोब्स पीछे होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी कैन से आईज या विजन के प्रोसेसिंग, ऑप्टिक नर्व्स की प्रोसेस करने में, उसको समझने में हेल्प करती हैं कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना. मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ब्रेन स्टेम के भी पार्ट आ जाते हैं. मैंने बताया था मिड ब्रेन से ही शुरू हो जाती है ब्रेन स्टेम. इज इट क्लियर? थोड़ा हम मिड ब्रेन का भी डायग्राम एक बार सर्च करके देखते हैं, जिससे आप उसे कनेक्ट कर सको कि कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना कहाँ पर है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना, ये चार लोब्स की बात हो रही है, दो ग्रीन लोब्स, दो आपके दिखा रखे हैं ब्राउनिश लोब्स, कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना. ठीक है, और यहाँ पर देख लो, इस वाले पार्ट में भी आपको दिखा रखा है, कैन यू सी इट, सुपीरियर कॉलिक्यूलाए, इंफीरियर कॉलिक्यूलाए, ये चार लोब्स हैं, दो ऊपर के सर्कल्स, दो नीचे के राउंड बॉडीज, इनको बोला है कॉर्पोरा क्वाड्रेट जेमिना. क्लियर? ये यहां भी दिखा रखे हैं, कैन यू सी, ये पोर्शन की बात हो रही है, ये इस पोर्शन की बात है. इसमें आपके दो ऊपर की तरफ रहेंगे, दो नीचे की तरफ. अभी इसमें एक इंच दिखा रखा है, एक एक डॉट दिखा रखा है, वाई, बिकॉज ये दो लोब्स हैं. ब्रेन के कितने लोब्स हैं हमारे, दो लोब्स हैं, तो इस वाले पार्ट में तो एक एक लोब दिखा रखा है, दूसरे वाले का क्या होता है, दूसरा दूसरा लोब होता है. तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होती हैं, दे मीडिएट विजुअल अटेंशन एंड विजुअली ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? मैंने क्या बोला था, विजन से रिलेटेड होते हैं ये. और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई मीडिएट द टर्निंग ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू साउंड. नीचे वाले साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईयर के, ईयर से नर्व लेते हैं ये,
आपकी ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होते हैं, ये नीचे वाले, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, साउंड और विजन, ऑडियो विजुअल के लिए कह सकते हैं। हम अभी भी तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो अगर मैं तुमको सामने से इसमें पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज सही से आ रही है, मैं मान लो यहाँ से उठकर थोड़ा दूर चली जाऊंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई के मतलब मैम की आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद मैम कहीं चली गई, तो मैं भी समझ में आ जाएगा ये। तो ये क्यों हो पाया, बिकॉज तुम साउंड को भी परसीव कर सकते हो, विजन को भी परसीव कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरा क्वाड्री जेमिना। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, तो इसको हम जान पाए, कोऑपरा क्वाड्री जेमिना मिड ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे आप देख लो, इट इज द आंसर भी दे रखा है, इट्स अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ फोर बॉडीज, देयरफॉर नोन एज क्वाड्री जेमिना, वेयर द क्वाड स्टैंड फॉर फोर। क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर। इट इज लोकेटेड डिस्टल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, जैसे हमने वहां देखा डिस्टल या डॉर्सल, मैंने बोला था ना जो दूर होता है वो डिस्टल होता है और डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, डॉर्सल पोर्शन है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर टू कैलिक्यूली स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सुपीरियर कैलिक्यूली, दैट मींस इन एंड लोअर वन आर कॉल्ड इंफीरियर कैलिक्यूली, एंड इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको इन दोनों डायग्राम से समझ में आ गया होगा। और हिंड ब्रेन में हमारे पॉन्ड्स मेडुला और सेरिबेलम है। पॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट, अब हम पॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉन्ड्स में क्या आता है, सेरिबेलम में क्या आता है, मेडुला में क्या आता है, इज इट क्लियर। पॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, ये इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, पॉन्ड्स डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है, ये इसका काम है, रिले की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि पॉन्स ने ऐसे फाइबर्स कुछ ले रखे हैं, इसके नर्व फाइबर्स कुछ ऐसे हैं, कुछ जो मिड ब्रेन को पकड़ रहे हैं, कुछ इनमें से किसको पकड़ रहे हैं, पीछे सेरिबेलम को पकड़ रहे हैं, और कुछ नीचे मेडुला से को भी राइज करते हैं। तो ये पॉन्स जो हो गया, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जो रिले की तरह काम कर रहा है, या वी कैन से बाईपास की तरह काम कर रहा है, जिसके नर्व फाइबर सब चीज सब लोगों को कनेक्ट करके रख रहे हैं, ऊपर मिड ब्रेन और फोर ब्रेन को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और नीचे हिंड ब्रेन में मेडुला को भी फाइबर्स जा रहे हैं। इज इट क्लियर? देन सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस, सेरिबेलम का भी जैसे सेरिब्रम का कॉन्वुलेटेड सरफेस था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर था सेरिब्रम का, वैसे ही सेरिबेलम भी हाईली कॉन्वुलेटेड है, देखने में वो लीफ की तरह दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे लीफ की तरह दिखता है आपका सेरिबेलम, पर उसके अंदर भी क्या हो रहा है, बहुत सारी ब्रांचेस जा रही हैं, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, वो सारे देखोगे तो आप कन्वल्जन्स है, कन्वल्जन्स मतलब उसके अंदर बहुत सारे ग्रूव्स हैं, कॉइलिंग है, ओके। क्योंकि ये क्यों हुई, कॉइलिंग क्यों हुई, आपको पता है जो भी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्यों ऐसे हैं, बिकॉज ऑफ उसमें ज्यादा न्यूरॉन्स आ सके, बिकॉज सो दैट इट कैन फुल द न्यूरॉन्स इन इट, क्लियर? कमिंग टू द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, द मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। मेडुला के अंदर ऐसे सेंटर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। मेडुला में तीनों सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करने वाले, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस हमारे हार्ट के, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को करने वाले। इज इट क्लियर? यस मैम। तो सेरिबेलम, पॉन्स, पॉन्स का मेन रीजन बता दिया रिले, सेरिबेलम का मेन रीजन आपको बता दिया, एक तो उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, कन्वुलेटेड है, एंड एक और चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना किसका काम होता है, कहीं पे भी आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो, आपने देखा है जिमनास्ट करता है, कोई जिमनास्टिक्स करता है तो वो कितनी स्मूदली फ्लिप लेता है, हवा में ही वो टर्न हो जाता है और फिर अपनी बॉडी को बैलेंस वे में अपने पैरों पे फिर लैंड भी करा देता है, इट टेक्स द फ्लिप
ठीक है, ट्विस्ट करना है, फ्लिप लेना है, जो भी लेना है, फिर वापस अपने लेग्स पे आकर वो पर्सन खड़ा हो जाता है। तो दैट वो क्यों हो पाया, समरसॉल्ट क्यों कर पाया, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लिप क्यों कर पाया, या लॉन्ग जंप ली या हाई जंप ली, तो क्योंकि उसके न्यूरॉन्स बैलेंस को, बॉडी के पोस्चर को, ठीक है, बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को, ठीक है, मेंटेन रखते हैं, एंड एक्यूरेसी को भी, बैलेंस एंड एक्यूरेसी, हर चीज में जो कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, क्या एक्यूरेसी है, उसको क्या रखते हैं, उसके यही वाला पार्ट होता है सेरिबेलम। मैं हमेशा बोलती हूँ बेलम वर्ड इज फॉर बैलेंस, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैलेंस मेंटेन रखेगा, बॉडी का गिरने नहीं देगा, ठीक है, जिस पोजीशन में रहना है वैसे रखेगा। इज इट क्लियर? यस। एक और चीज है मेडुला, मेडुला में बताई दिया, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का सेंटर्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस कैसी हैं, इनवॉलंटरी हैं, क्लियर, पेट में जो सिक्रीशंस होंगी, यानी कि पैनक्रिया की सिक्रीशंस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, वो कैसी होंगी, इनवॉलंटरी। बाइल जूस का रिलीज होना क्या है इनवॉलंटरी, तो वो क्या है सर, पेट में पेप्सिन रिलीज होती है, दैट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी। तो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, यानी हार्ट बीट तेज होनी है, धीरे होनी है, दैट इज इनवॉलंटरी। रेस्पिरेशन, तेज सांस लोगे, धीरे लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। तो ये भी किससे मेंटेन होगा, कौन सा पार्ट करेगा, क्वेश्चन आ जाए विच पार्ट इज कंट्रोलिंग, हाइंड ब्रेन में मेडुला पार्ट कौन सा करता है कंट्रोल, मेडुला। यहाँ पर आप ब्रेन के तीनों पार्ट समझ गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो आई थिंक आपको ये पूरा फुल्ली कवर हो चुका होगा, आप इसको अब अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकोगे, एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स बनाने हैं तो यू कैन ऑल्सो मेक दैट। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो कोई डाउट हो इसमें अभी तक जो भी हमने पढ़ा तो पूछ लो, वैसे तो इतने अच्छे से बताया है एक एक लाइन कि आपको मुझे नहीं पता, फिर भी आप पढ़ोगे तब हो सकता है आप दूसरे किसी बुक से कंसल्ट करके देखो तो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आई, या जब आप अंडरस्टैंड करो तो हमें डाउट आते हैं तब भी आप पूछ सकते हो। ओके मैम, आज का यही प्रश्न है कि यू विल बी डूइंग एंड राइटिंग अ पैराग्राफ एंड योर नोट्स इन अ वेरी नाइस वे, इधर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, एंड देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करके एक नीट वेल लेबल डायग्राम बनाना है। इज इट क्लियर? यस मैम। So with this, I'm going to end the session now. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, take care. Bye. Bye, ma'am.